हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि तुम लोग को पता है, हर बार मैं कुछ नई वीडियो के साथ आता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट कॉलेज एंट्री टेस्ट। सो ये वीडियो में जो हमने बात की थी वो थी हाउ टू अप्लाई फॉर कैट कॉलेज। तो वीडियो में मैंने बात भी की थी कि मतलब आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, इसके बारे में बात की थी मैंने। तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता उन्हें अप्लाई कैसे करें, तो वो मैंने पिछली वीडियो में बताया। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपने तैयारी कैसे करनी है, आपने प्रिपेयर कैसे करना है खुद को कैट कॉलेज के टेस्ट के लिए। अभी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है। तो जो बेसिकली है, आपने जो है प्रिपेयर, बहुत सिंपल तरीका है। आपने इतने ज़्यादा मतलब बुक्स नहीं पढ़नी, और ज़्यादातर वेबसाइटों पर जाके मतलब ऑनलाइन क्लासेस या पे नहीं करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका जो मेनली कोर्स आता है, आपका जो आपका 8 का कोर्स होता है वही आता है मेनली, आपने जो पढ़ा होता है। बाकी जो है जनरल जनरल नॉलेज से आता है। आपने अब बात आती है कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो जब आप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने किसी भी कैट कॉलेज के टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने जो है मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू एंड साइंसेस जो है आपने इसकी प्रिपरेशन करी है। इस हर एक कॉलेज के टेस्ट में यही सब्जेक्ट्स होते हैं। आप अगर आपने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स छोड़ा, तो फिर आपको थोड़ा मसला बन जाएगा। मेनली जो कॉलेज के टेस्ट का जो टाइम होता है वो होता है 3 आवर्स। तो आपने इन 3 आवर्स में ये 4 के 4 जो है सब्जेक्ट्स आपने पूरे करने हैं। आपने मतलब अपनी स्पीड को भी इंक्रीज करना है। दूसरी बात आती है कि आपने प्रिपेयर कहाँ से करना है। तो प्रिपरेशन के लिए जो है मैं आप लोग को एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वो बुक है जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसका नाम है किड्स गाइड, किड्स साजी गाइड, या जो भी आप लोग इसको कह लो। तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ ये बुक लें, और फिर आपको इससे प्रिपरेशन करें। आप इंशाल्लाह इसमें जो है आप इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे कैट कॉलेज के टेस्ट के लिए। आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, यूट्यूब से ले, ऑनलाइन क्लासेस मिलती है, ऑनलाइन क्लासेस मिलती है, तो आप उधर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर बात आती है पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो जो आपका पेपर पैटर्न होगा वो बहुत सिंपल होगा। जैसे आप मेनली आप नॉर्मल डेज में अपने पेपर हल करते हैं, एमसीक्यूज पे, शॉर्ट क्वेश्चन पे, लॉन्ग क्वेश्चन, ये पैटर्न है, बस सिंपल यही पैटर्न है। आप जो पैटर्न से हल करते हैं वही करने हैं आपने इधर भी। और आपने ऐसे करने हैं कि आपने प्रेशराइज नहीं होना जो है। मैं ज़्यादातर लड़के जो है पेपर के वक्त में प्रेशराइज हो जाते हैं। मैं भी किसी वक्त में प्रेशराइज था, इस चीज़ से टेंशन थी कि मतलब कैसे मैं अगर मैं कैट कॉलेज में ना हुआ। लेकिन बहरहाल मैं हो गया कैट कॉलेज में, तो मैं टेस्ट क्लियर कर लिया। तो आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप लोगों ने पहले तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं इन चीज़ों में, और बिल्कुल आप रिलैक्स होके जाए पेपर दे, वो तो बात की बात है कि मतलब आप हो गए या नहीं। लेकिन आप लोग को आप जब आपको बता दिया, पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपने अप्लाई करना, आपको कब बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर जिन जिन बंदों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो देख लें, फिर आप बाद में आके ये मेरी सेकेंड वीडियो देख लें, तो फिर आपको बहुत फायदा होगा। तो जो है आपने जो है प्रेशराइज नहीं होना, और दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर उसके पेपर को करें, तो फिर मैं आपको पता चल जाएगा ना। तो आपको अभी जो इस आप ये टेस्ट दे देंगे, तो मेनली ना जो है मंथ आपको रिजल्ट भी निकल आ जाएगा। ज़्यादातर लड़कों को उस मौके पर पता है कि की भी निकल आती है नेट पे, नेट पे की भी निकल आती है, लेकिन अभी वो की का फ़ायदा कोई नहीं है। तो आपने अपने ऊपर वो रखना है, आपको एक रिजल्ट आ जाएगा मंथ में, और फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपने ही इंटरव्यू के लिए, आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए, तो ये आपको बता दिया जाएगा आपको कि आपने कब आना है इंटरव्यू के लिए। तो जो इंटरव्यू की जो प्लेसेस है वो हो गए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब आपके जो होम एड्रेस हो गया, अपने एरिया के हिसाब से आपके जो होते, ज़्यादातर जो इंटरव्यू का जो मेन सेंटर है वो है नौशहरा, नौशहरा में इंटरव्यू होते हैं अक्सर। तो अगली वीडियो में, आज की वीडियो में जो आपको मैं बताता था, बस यही इतना बताना था मैंने आप लोगों को कि जो है आपने प्रिपेयर कैसे करने हैं। और ये बुक जो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँ बुक, तो इसमें ज़रा पढ़ लें, ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी, ठीक है। तो यही बुक आप लोग इस्तेमाल करें, इसको सही तरह से पढ़ें, आप मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आप क्लियर कर लेंगे कॉलेज के टेस्ट को। अगली वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। ये
कैडेट कॉलेज के बारे में बात करें कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है खुद को कैडेट कॉलेज के इंटरव्यू के लिए, तो हम उसमें थोड़ी शॉर्ट बात करेंगे। तो अगर जिस बंदे ने मेरी वीडियो देख रहा है और पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख ले, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे आ चुके हो और अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, कि आपको मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती है। और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ब्लॉग में या वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और रहे फिर आपको मैं जो है इंटरव्यू के बारे में बताऊँगा। वी विल बी बैक।